पहले आज सबसे पहली जो कॉलेज की हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द NSEC कॉलेज दैट इज नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपको बेसिकली रूबी हॉस्पिटल से कुछ और दूर में मिलेगा। ये बेसिकली हेरिटेज समझिए, हेरिटेज कॉलेज के काफ़ी करीब है ये कॉलेज और अच्छा भी कॉलेज है मुझे लगता है। और अगर आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा किसी बॉन्ग गाई को तो वो बेसिकली ये कॉलेज से बिलोंग करते थे। और गाइज यहाँ पर गाइज हम लोग और भी चीज़ बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द प्लेसमेंट एंड फीस। कैंपस आपने देखा ही ठीक ठाक है, मैं पर्सनली गया हूँ क्योंकि आपको बताया था मैंने एक वीडियो पे कि शायद मैं यहाँ पर गया था किसी टेक फेस्ट के लिए। अब यहाँ पर गाइज हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, टोटल अमाउंट कितनी है। तो गाइज यहाँ पर देखिए 45,000 के आपको पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 56,000 पड़ेगा। 36,000 इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज रखा है फॉर डिजिटल लर्निंग एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो गाइज अगर सिर्फ फीस की बात करते हैं तो ये आपका 370,000 पड़ेगा, और यहाँ पर 36,000 को अगर हम प्लस कर दें तो ये 4,00,000 प्लस हो जाता है। तो ओवरऑल फी स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो गाइस जिनकी जितना इनका कट ऑफ है दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करके, यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतनी ही ज़्यादा ख़राब है। ख़राब का गाइस ये मतलब नहीं है कि मैं पर्सनली इसे कहना चाहता हूँ, बेसिकली मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ दूसरों से। अब यहाँ पर गाइस हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस ले लिए हों ये वो, पर यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस थ्रू द कैंपस इंटरव्यू। परसेंटेज, परसेंटेज का क्या मतलब होता है गाइस? थ्रू द कैंपस इंटरव्यू अगर 100 बच्चा भी क्लास में पढ़ रहा है तो अगर उसमें से 80 स्टूडेंट बैठ जाता है प्लेसमेंट में, उस 80 स्टूडेंट में से सिर्फ 70% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, जिनमें से मैक्सिमम सीटीसी निकल के आया 11,00,000 और एवरेज सीटीसी जो है वो 4,00,000। अब गाइज मैं हर वीडियो में आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो मैक्सिमम सीटीसी है वो ओवरऑल कॉलेज पे ली जा रही है, वो कैंपस इंटरव्यू पे नहीं ली जा रही है, तो ऑफ कैंपस भी हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, अगर हम एवरेज करें गाइज तो इनकी जो प्लेसमेंट है वो 65-68% के करीब आ रहा है, जो प्राइवेट कॉलेज के लिए मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मैक्सिमम सीटीसी इनकी एवरेज तो क्या तीनों में 11,00,000 दिखा रहे हैं, और एवरेज सीटीसी की बात करें तो गाइस 4,00,000 3.53 है, तो इसका मतलब 3.5 की एवरेज सीटीसी है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब गाइज यहाँ पर हम कट ऑफ्स की बात करें तो गाइज यहाँ पर आपको शौक लगेगा क्योंकि इनकी जो कट ऑफ्स है प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर से कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो जनरल पे आपको 11,000 या 12,000 के करीब आपको कंप्यूटर साइंस पड़ेगा जनरल पे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि 12,000 तक मेरी रैंक है मुझे CSE चाहिए इन अ गुड प्राइवेट कॉलेज, देन दिस इज़ अ गुड प्राइवेट कॉलेज। TFW की बात करें तो गाइज यहाँ पर 10,000 तक आपको, 9,000 लिखा है, 10,000 तक आपको TFW में CSE मिल जाएगा, और क्या चाहिए, बहुत कुछ मिल रहा है। और यहाँ पर गाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है वो 25,000 के करीब आपको मिल सकता है। और यहाँ पर हम बात करें अगर आपकी 13-15,000 के करीब आपके पास रैंक है इन्हें TFW, मतलब इन TFW में जनरल पे रैंक है पर आप TFW सीट चाहते हो, तो एग्जैक्टली गाइज यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और हम जो सबसे बड़ी बात करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अभी, सो गाइज यहाँ पर 18,000 के करीब आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल सकता है, और 11-12,000 के करीब आपको यहाँ पर TFW के द्वारा सीट मिल जाएगी। और भी गाइज बहुत सारी चीज़ हम देखें तो सिविल मैकेनिकल में तो 80,000 के करीब आपको मिल जाएगा, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे 80,000 तक मिल जा रहा है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आपको अगर TFW सीट चाहिए, अगर 25-30,000 की रैंक है तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए और ये इन सारी सीट्स को TFW वाला ले लीजिए। तो मुझे लगता है गाइज ये मैंने पर्टिकुलरली एक बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। सो गाइज अगर हम बात करें तो गाइज ये कॉलेज तो मुझे पर्सनली बोलूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाइज ये टेक्नो के साथ मिक्स्ड है तो वहाँ पर भी आपकी जॉइंट कैंपसिंग हो सकती है। और जहाँ तक मैंने सुना है गाइज ये कॉलेज किसी और कॉलेज से कम नहीं है, और सिंस ये बहुत ज़्यादा आउट है, ये ही चीज़ मुझे इस कॉलेज के बारे में ख़राब लगती है। अगर वो आप जाओगे पर्सनली, आप जब कॉलेज विजिट करोगे, अगर एडमिशन ले रहा है तो मैं कहूँगा पर्सनली इस कॉलेज को विजिट करो, मुझे ज़रा सा जगह उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। पर ये पर्सनली किसी भी स्टूडेंट के ऊपर वैरी नहीं करता, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ रहता तो वो सब मैटर कर सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे ख्याल से ओके कॉलेज है, और इफ़ यू हैव दिस रैंक यू मस्ट ट्राई फॉर दिस कॉलेज।